हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स पे यस सर लिख के भेज दीजिएगा जिससे मुझे पता लगे कि इतने बच्चे इस क्लास में प्रेजेंट हैं। चलिए, इंडेमनिटी और प्लस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट दोनों इसी वीडियो पे करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 12 से 13 मिनट या 15 मिनट तक खिंच सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझेंगे, फिर हम समझने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखिए, मीनिंग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss। इतना पहले समझिए, यहां पर क्या है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को promises करती है कि अगर आपको कोई भी loss होता है तो उसका पैसा मैं दूंगा। That simply means एक person दूसरे person की guarantee ले रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज loss होती है तो मैं आपका payment करूंगा, आपकी जगह आपको payment करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी जगह payment करूंगा। From loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। किसी third party के साथ उसको कोई loss होता है, shopkeeper कहीं पे गया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो दूसरे वाला जो उसकी guarantee ले रहा है वो उसके लिए pay करेगा, या फिर promiser ने खुद ने ही अपने assurance दे रखा है कि भाई मैं ही आपका payment करूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो simple सा घुमा फिरा के बात यह है, यहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोमिस देता है कि आपको कोई भी लॉस सफर होता है तो उसका पेमेंट मैं करूंगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी गो इनटू अ शॉप। ए और बी दोनों फ्रेंड होंगे, शॉप में गए एंड ए सेज टू द शॉपकीपर, ए ने शॉपकीपर को बोला सप्लाई बी विद द टीवी सेट, कि जी बी को आप टीवी सेट सप्लाई कर दीजिए। ए ने शॉपकीपर को बोला कि बी को टीवी सेट दे दीजिए एंड आई विल सी यू आर पेड, और मैं ध्यान रखूंगा कि आपको पेमेंट मिल जाए। दैट मीन्स कि बी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली है, आपके ए ने ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी और गारंटी में थोड़ा सा ही फर्क है। गारंटी में क्या होता है, यही एग्जांपल्स अगर गारंटी में भी समझेंगे तो वहां पर ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बी की, लेकिन इन केस ऑफ इस डिफॉल्ट पहला पेमेंट का हक बी का ही है, क्योंकि बी को कोई टीवी सेट डिलीवर कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की है, तो बी अगर पे नहीं कर पाता है तब ए करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट की लेता है ए, अगर पेमेंट करे या नहीं करे वो अलग बात है, यहां पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ए कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी जगह मैं ही आपका पेमेंट करूंगा। पूरा है, क्लियर? अब दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी वो दो पार्टी है देख लेते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देर आर टू पार्टीज, द पार्टी हु प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, जिसने वादा करा है, जिस पार्टी ने वादा करा है दूसरी पार्टी को सेव करने का, उसका नाम क्या है, इंडेमनीफायर। क्या बोलेंगे, इंडेमनीफायर उसका नाम है, जो पार्टी वादा करती है प्रॉमिस करती है कि मैं इस पार्टी को सेव करूंगा या इसका जो पैसा है मैं भरूंगा। राइट, द पार्टी हु इज प्रॉमिस टू बी सेव, जिसको सेव करा जा रहा है और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस इज नोन एज इंडेमनिटी होल्डर। आप जिसके लिए प्रॉमिस कर रहे हो या जिसका लॉस आप दे रहे हो उस पर्सन का नाम इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं या इंडेमनीफाइड बोलते हैं। हो रहा है क्लियर? तो यहां पर सिंपल सी मीनिंग हो गई, एग्जांपल हो गया, और दो पार्टीज जो इन्वॉल्व रहती है, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर, उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसी वीडियो पे आगे देखने वाले हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है उसके बारे में आप देखते हैं। तो अब सीधा रुक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तरफ। चलिए जी, चालू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देखते हैं। इंडेमनिटी अभी अभी हमने खत्म करा है, आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, नियर अबाउट सिमिलर ही चीजें, देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पर्सन promises to discharge the liability of a third person in case of a third person fails to discharge his own liability। अभी मैंने जो example दिया था indemnity में, same exact वही example apply होता है। यहां पर क्या है, A दूसरी party B को promise करता है कि अगर आपके पास, अगर जो आपको payment करना है उसमें कमी पड़ जाए या आपके पास payment करने के लिए पैसा नहीं है, तब उस केस में मैं प्रॉमिस या गारंटी लेता हूं आपकी कि मैं आपका बकाया पैसा, डेप्ट या जो भी पेमेंट है, आपकी जगह मैं पे कर दूंगा। अब हो क्या रहा है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर बिना कुछ बोले एक गारंटी ले लेता है उसकी, बी से वो ये पूछता भी नहीं है कि आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है शॉपकीपर उतना पैसा आपके पास है या नहीं है,
हो सकता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में उसका पैसा हो, लेकिन ए स्पेसिफिक कर देता है आपको पेमेंट की जरूरत नहीं है, हालांकि आपका ही हक बनता है पेमेंट का, लेकिन आपको पेमेंट की जरूरत नहीं है, मैं आपकी जगह सारा पेमेंट करूंगा। गारंटी में हो क्या रहा है, जो पर्सन है जो गारंटी ले रहा है वो बोलता है कि आप पेमेंट करो, पहला हक आपका है, अगर नहीं पे कर पाओगे तो जो पैसा भी बचता है जो आप नहीं पे कर पा रहे हो वो पैसा मैं पे करूंगा, राइट। तो यहां पर देखिए, इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी मतलब कि जो भी उधारी है उस पर्सन पर जिसकी भी आप गारंटी ले रहे हैं, उसकी आप गारंटी ले रहे हैं कि जो उधारी है वो आप पे करेंगे। उधारी है, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 100 रुपए उसके पास है तो आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, राइट। ऑफ अ थर्ड पर्सन, इन केस ऑफ अ थर्ड पर्सन, इन केस ऑफ अ थर्ड पर्सन फेल टू डिस्चार्ज हिज ओन लाइबिलिटी, अगर वो पैसा पूरा नहीं पे कर पा रहा है, इन केस, नहीं तो कोई गारंटी की जरूरत नहीं। अगर उसके पास 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 100 रुपए है उसके पास, 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसके पास 50 रुपीज है, इस केस में ए पर्सन दूसरे पर्सन की गारंटी लेता है कि जो भी रिमेनिंग पैसा है वो मैं आपकी जगह मैं दे दूंगा। अब इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, अच्छे से समझना है, तीन पार्टी। एक का नाम है श्योरिटी, श्योरिटी वो पर्सन है जो कि गारंटी दे रहा है। एक पर्सन क्या हो गया इस एग्जाम्पल में जो अभी मैंने दिया था, ए हो गया श्योरिटी, जो उस पर्सन की गारंटी ले रहा है जिसका पैसा बकाया है, जिसके पैसे में कमी पड़ गई है, उसको पेमेंट करना है दुकानदार को। दुकानदार कौन हो गया, क्रेडिटर, कौन हो गया, क्रेडिटर। और जो एक्चुअल में जिसका हक बनता है पैसे देने का, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेब्टर। तीन पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक है श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है, एक दुकानदार है जो क्रेडिटर है जिससे प्रिंसिपल डेब्टर ने माल लिया है, और प्रिंसिपल डेब्टर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसे को पे करना, राइट। तो प्रिंसिपल डेब्टर कौन है, जिसने सामान खरीदा है और जिसका फर्स्ट कर्तव्य है पेमेंट करना, और पेमेंट नहीं कर पा रहा तो गारंटी किसने ली है, श्योरिटी ने। हो रही है तीन पार्टी क्लियर। चलिए अब मेन फीचर्स देखते हैं इसके। पहला, गारंटी इज गिवन बाय द श्योरिटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। श्योरिटी आगे बढ़ के कुछ नहीं बोलता है, जैसे कि इंडेमनिटी में ए पर्सन आगे से खुद बोलता है कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मैं पे करूंगा, वैसा नहीं है। श्योरिटी गारंटी तभी देता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल डेब्टर। अगर प्रिंसिपल डेब्टर रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास पैसों की कमी पड़ गई है, क्या आप प्लीज मेरा पेमेंट कर देंगे इस दुकानदार को, राइट। सेकंड, द श्योरिटी हैज सेकेंडरी लाइबिलिटी। सेकेंडरी लाइबिलिटी है मतलब पहला लाइबिलिटी या कर्तव्य किसका है, प्रिंसिपल डेब्टर का है, दुकानदार को पेमेंट करने का, क्रेडिटर को पेमेंट करने का। सेकेंडरी मतलब वो नहीं कर पाता है, तब श्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस गारंटी को फुलफिल करने की। पूरा क्लियर। आगे देखेंगे, ऑल द मेटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड टू श्योरिटी बिफोर ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कोई और भी फ्यूचर पेमेंट बकाया है जिसका पेमेंट प्रिंसिपल डेब्टर चाहता है श्योरिटी पे करे क्रेडिटर को, तो उसको पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा प्रिंसिपल डेब्टर को, श्योरिटी को, कि भाई मुझे सिर्फ यही पेमेंट नहीं है, बहुत सारे पेमेंट है जो कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी, आप गारंटी दे सकते हैं क्या, रिक्वेस्ट करेगा, राइट। तो मेन चीज क्या है, जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो सकता है, एडवांस में पहले कुछ अमाउंट दे दिया हो, नहीं दिया हो, उससे पहले भी बहुत सारा डेब्ट हो उसका, तो आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा श्योरिटी के साथ, या श्योरिटी को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेब्टर की है, राइट। आगे है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इधर भी ओरल और इन राइटिंग, या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न में हो सकता है, राइट। बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए जितने भी है सारे जो भी होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन वो राइटिंग में होते हैं, राइट। आगे देखेंगे, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। मतलब लाइबिलिटी जो है, मतलब जितना एक क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल डेब्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक श्योरिटी इंपॉर्टेंट है। या फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए कि जिस हद तक एक क्रेडिटर के लिए प्रिंसिपल डेब्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस है जितना पैसा बकाया है उतना ही वो पैसा ले सकता है, किससे, क्रेडिटर से या श्योरिटी, क्रेडिटर श्योरिटी से उतने ही पैसे ले सकता है। को एक्सटेंसिव है मतलब दोनों एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं यहां पर। को एक्सटेंसिव मतलब दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है क्रेडिटर के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल डेब्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी ने ले रखी है, राइट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। जितना उसने बकाया था उतना पैसा श्योरिटी पे करेगा क्रेडिटर को, तो जितना प्रिंसिपल डेब्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही क्रेडिटर के लिए श्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे देखेंगे, डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स एज रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है जिस पर्सन ने गारंटी ली है,
तो उस केस में क्या होगा, रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो भी कंटिन्यू गारंटी चल रही थी वो उस समय के लिए रुक जाएगी या बंद हो जाएगी एज रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बट रिमेन लाइबल फॉर द ट्रांजेक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो पहले ही ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस हो चुके हैं, जिसकी गारंटी वो पहले ही ले चुका है, वो पेमेंट उसको करना पड़ेगा, उसके जो फैमिली मेंबर्स उनको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी भी पड़ सकती है। तो मेन चीज क्या है यहां पर, फ्यूचर पेमेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो हो जाएगा रेवोकेशन, कैंसिल हो जाएगा या वहीं पर स्टॉपेज लग जाएगी उसमें, क्योंकि श्योरिटी की डेथ हो चुकी है, लेकिन जिस चीज के लिए उसने पहले से ही वादा कर रखा है वो चीज उसको एनी हाउ पेमेंट करनी ही पड़ेगी, राइट। आगे देखेंगे एनी वेरियंस, वेरियंस मतलब चेंजेस मेड विदाउट द श्योरिटी कंसेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपने श्योरिटी से कंसल्ट नहीं करा, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर्स के बीच कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें श्योरिटी भी पार्ट है उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन और द विदाउट इन्फॉर्मिंग द श्योरिटी, डिस्चार्ज द श्योरिटी एज टू ट्रांजेक्शन ऑन सब्सिक्वेंट टू द वेरियंस। अब यहां पर क्या है देखिए, एनी वेरियंस मेड विदाउट द श्योरिटी कंसेंट डिस्चार्ज द श्योरिटी, श्योरिटी के लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देगा, मतलब श्योरिटी के हिसाब से वो सब कुछ पे कर चुका है, मतलब श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाएगी अगर प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर ने कुछ भी चेंजेस करे हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे, राइट। टू ट्रांजेक्शन ऑन सब्सिक्वेंट टू द वेरियंस, मतलब वो चेंजेस करने के बाद जो भी चेंजेस हो रहे हैं या उस चेंजेस करने के बाद जो भी एक्ट होते हैं ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए श्योरिटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा या गारंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा श्योरिटी, क्योंकि बिना पूछे उससे चेंजेस करे गए हैं उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जिसमें वो भी पार्ट है, पूरा क्लियर। आगे एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी आप गारंटी देते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये क्रेडिटर के पार्ट से हो सकती है या फिर प्रिंसिपल डेप्टर के पार्ट से हो सकती है, अगर आप मिस रिप्रेजेंट कर श्योरिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो ये है हमारा इनवैलिड, राइट। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस, और क्रेडिटर को जब बोलना चाहिए था जब वो चुप है, प्रिंसिपल डेप्टर ने या फिर श्योरिटी ने उसको ज्यादा पैसे दे दिए हैं जितने प्रिंसिपल डेप्टर के बनते नहीं है लेकिन वो चुप है, उसने एक्सचेंज नहीं करे हैं पैसे, वो चुप है, उसने 10,000 का बना था 12,000 श्योरिटी ने दे दिए, 2,000 उसने अपने पास से रख लिए, साइलेंट रहा वो इस चीज को लेकर, तो ये भी चीज भी इनवैलिड है। तो यहां पर क्या है, अगर जब उसको बोलना चाहिए था क्रेडिटर को और जब वो चुप है तो तब वो इनवैलिड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा क्लियर। अपॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट द श्योरिटी बिकम्स एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स व्हिच द क्रेडिटर्स वुड हैव एनफोर्स्ड अगेन द प्रिंसिपल डेप्टर, जैसे ही श्योरिटी प्रिंसिपल डेप्टर का सारा कर्जा चुका देता है तो ये जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेप्टर वाली पोजिशन में आ जाएगा जो कि क्रेडिटर्स के लिए होगी, मतलब सबरोगेशन एक प्रिंसिपल था उसके थ्रू क्या होता है यहां पर कि जो हमारा प्रिंसिपल डेप्टर की पोजीशन है वो पोजीशन अब ले लेगा श्योरिटी, दैट मींस जो भी बेनिफिट्स रिसीव होने होंगे अब वो प्रिंसिपल डेप्टर की जगह होंगे, किसको, श्योरिटी को, क्योंकि श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेप्टर के सारे ड्यू सारे डेब्ट्स वगैरह पे कर दिए हैं, अब जो बेनिफिट्स होंगे जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होगी वो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच होगी, पूरा क्लियर। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के सिंपल से फीचर्स, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा अगर वीडियो लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स वगैरह के लिंक है अगर आप पढ़ना चाहते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, LLB की है अगर आप फ्यूचर में LLB करना चाहते हैं या फ्यूचर में BBA करना चाहते हैं, BCOM से रिलेटेड भी बहुत जल्दी आने वाली है, BCA की आने वाली है, BSc की आने वाली है, तो ई बुक्स के लिए चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा आप, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, sunil_adhikari04 आपको नीचे हैंडल दिख रहा होगा, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा, थैंक यू सो मच।